subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पंजाब के सभी लोगों को, भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। पिछले एक डेढ़ महीने से मेरे पास पंजाब के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से टीचर्स मिलने के लिए आ रहे हैं। कॉलेज के टीचर्स आ रहे हैं, कच्चे टीचर्स आ रहे हैं, पक्के टीचर्स आ रहे हैं, हर किस्म के टीचर्स आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में खासकर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। 24 लाख बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। सातवीं क्लास तक के स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही टीचर है सारी क्लासेस के लिए, सातों क्लासों के लिए एक ही टीचर है। और उन्होंने बताया कि सरकार ने उसके ऊपर पुताई करवा दी और उसके ऊपर लिख दिया स्मार्ट स्कूल, उनको स्मार्ट स्कूल बना दिया। जब 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी इतना ही बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई के नाम पे जीरो थे। लोग, अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा सा भी पैसा कमा लेता था तो वो कोशिश करता था मैं अपने बच्चे को किसी बगल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूं, सरकारी स्कूल से नाम कटवा लेता था, प्राइवेट स्कूल में भेज देता था। लेकिन आज 7 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट गई है बिल्कुल। इतना शानदार काम हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कि उसकी चर्चा देश में नहीं, विदेशों के अंदर चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे, अगर मैं अपनी तारीफ करूं तो उसका फायदा नहीं है, नतीजे कैसे आ रहे हैं, नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों। प्राइवेट स्कूलों के भी इतने अच्छे नतीजे नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। तो जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया, ऐसे ही पंजाब के सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। अब हमें करना आता है, और हमें ही करना आता है और किसी पार्टी को करना नहीं आता। कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार रहे देश के अंदर, पिछले 70 साल में कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है। उनसे तो नहीं हुए सरकारी स्कूल ठीक, उन्होंने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है, उनसे तो ठीक नहीं हुए। अभी इस सरकार के पहले अकाली दल की 10 साल तक सरकार थी पंजाब के अंदर, उनसे तो ठीक नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने एक ही बार में एक मौका दिया था दिल्ली की जनता ने, एक ही बार में 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। पंजाब के सरकारी स्कूलों को भी ठीक करेंगे। लेकिन आज मैं पंजाब के सारे टीचर्स को, चाहे वो कॉलेज के टीचर्स हो, चाहे कच्चे टीचर्स हो, चाहे पक्के टीचर्स हो, पंजाब के सारे टीचर्स को, अध्यापक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, सबसे मानयोग होते हैं, सबसे रिस्पेक्टेड होते हैं। मैं उन सबको आज आमंत्रित करता हूं, उनका आह्वान करता हूं कि जो हम पंजाब का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, ये जो हमने बीड़ा उठाया है कि पंजाब को ठीक करना है, बिना शिक्षा को ठीक किए हम पंजाब को ठीक नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों का, अगर भविष्य, जब तक हम बच्चों का भविष्य ठीक नहीं करेंगे तब तक पंजाब ठीक नहीं हो सकता। इसलिए उन सभी टीचर्स को मैं आज आमंत्रित करता हूं, आइए इस मुहिम में आप लोग शामिल होइए।
आज मैं 8 टीचर्स को 8 गारंटी दे रहा हूं। आज केवल टीचर्स के लिए आया हूं। टीचर्स के कुछ ऐसे मसले हैं जिनको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उनका समाधान करना जरूरी है। इन 8 मुद्दों के ऊपर 8 गारंटी मैं टीचर्स को दे रहा हूं। पहली, आपके साथ मिलके दिल्ली के अंदर जो सुधार हुए वो सुधार केजरीवाल ने नहीं किए, वो सुधार मनीष सिसोदिया ने नहीं किए। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जितने सुधार हुए वो दिल्ली के टीचर्स ने किए। हमने तो केवल अच्छा माहौल दिया था उनको, हमने अच्छा माहौल दिया और दिल्ली के टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया, जादू करके दिखा दिया। पहली गारंटी ये है कि पंजाब के अंदर भी माहौल बदलेंगे, टीचर्स को अच्छा माहौल देंगे और टीचर्स के साथ मिलके पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएंगे जैसे दिल्ली के अंदर लेके आए थे। ये हमारी सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को गारंटी है। इसका मैं पूरा मसौदा तैयार कर रहा हूं मनीष सिसोदिया जी के साथ। कुछ दिन के बाद मैं दोबारा आऊंगा आपके बीच में, उस दिन शिक्षा पे बात करेंगे, आज केवल टीचर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, मेरे पास कुछ टीचर्स मिलने के लिए आए, बोले जी 18 साल हो गए हमको काम करते, अभी तक कच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, भगवंत मान जी भी मेरे साथ बैठे थे कल, मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, आपको जान के ताज्जुब होगा, 18 साल काम करने के बाद एक टीचर को 10,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इतनी दुर्गति टीचर्स की, इतना अपमान टीचर्स का। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मिनिमम वेज, अनस्किल्ड लेबर, अगर कोई अनस्किल्ड लेबर एक महीना काम करता है तो उसको मिनिमम वेज 15,000 रुपए मिलते हैं दिल्ली के अंदर। टीचर्स को यहां पे मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, मिनिमम वेज के बराबर भी नहीं मिलता उनको, उनको केवल 10,000 रुपए महीना टीचर्स को मिलता है। और वो बोले जी 10,000 तो मैक्सिमम है, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 3,000 रुपए काम कर रहे हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 5,000 रुपए काम कर रहे हैं। 18 साल काम करने के बाद भी कोई आउटसोर्सिंग पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो सबसे पहली चीज, सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। ऐसे कई सारे कच्चे टीचर्स का चंडीगढ़ के पास धरना प्रदर्शन चल रहा है कई दिनों से। मुझे पता चला कि चंडीगढ़ के पास एक जगह एक पानी की टंकी के ऊपर एक महिला टीचर और 2 पुरुष टीचर कई दिनों से पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। उन्होंने दशहरा, दिवाली, करवा चौथ सारे त्यौहार पानी की टंकी के ऊपर मनाए हैं। ये बेहद दुख की बात है। जिन टीचर्स को क्लासों में होना चाहिए पढ़ाने के लिए, वो टीचर्स आधे से ज़्यादा टाइम उनको बेचारों को प्रोटेस्ट्स में, उनकी 2 ही डिमांड है, एक डिमांड है कि जितनी खाली भर्तियाँ हैं पेपर लेके उनको भरा जाए और दूसरा कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाए। मेरी चन्नी साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि आप इन टीचर्स की डिमांड्स को तुरंत पूरा कीजिए, या तो आप पूरा कीजिए नहीं तो हमारी सरकार बनने के बाद हम पूरा करेंगे। और कुछ दिन के बाद अगर चन्नी साहब ने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की और ये तब भी धरने पे हुए, तो अगली विजिट में जब मैं आऊँगा मैं उनके धरने पे उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो पहली डिमांड थी कि शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, दूसरा कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा चाहे वो आउटसोर्स हों चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हों, तीसरा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो बहुत गड़बड़ है। कल एक टीचर मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी टीचरों की कमी है,
तो कई टीचर्स को दो ड्यूटी दे देते हैं, भाई ये तेरा चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज है। उनका एक ड्यूटी एक स्कूल में है और दूसरी ड्यूटी दूसरे स्कूल में, 3 दिन स्कूल में 3 दिन स्कूल में, और दोनों स्कूलों में 200 किलोमीटर का फासला है। बताओ कोई कैसे काम कर सकता है? एक आदमी के पास दो चार्ज हैं, 3 दिन स्कूल में पढ़ाएगा 3 दिन स्कूल में पढ़ाएगा, और दोनों स्कूल जो हैं 200 किलोमीटर दूर हैं। ये ट्रांसफर पॉलिसी बदलनी है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी सी आवाज उठाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर रखे हैं लोगों को तंग करने के लिए। दिल्ली में हमने ट्रांसफर पॉलिसी बदली। आज दिल्ली में साल के बिगनिंग में हर टीचर से पूछते हैं कि आपको किस स्कूल में जाना है। हमें लगता है कि टीचर को दुखी करके आप बच्चे को सुखी नहीं कर सकते। अगर टीचर मन में दुखी है वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं। 24 घंटे उसके मन में कुड़कुड़ रहेगी, कहां फंस गया यार मैं ट्रांसफर। वो कोशिश करता रहेगा ट्रांसफर कराने की अपनी, उसका 90% टाइम बच्चे को पढ़ाने में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने दिल्ली में ये तय किया कि हर टीचर को उसकी मन मर्जी के उसके घर के पास देंगे उसका स्कूल। उसको घर से दूर भेजने की क्या जरूरत है? हर टीचर से पूछा जाता है, आप बताओ आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। कोशिश की जाती है कि सभी टीचर्स को उनके मन माफिक स्कूल दे दिया जाए, लेकिन अगर कहीं नहीं हो पाता उनको फिर उसके पास का कोई स्कूल दिया जाता है। वही ट्रांसफर पॉलिसी पंजाब में लागू की जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और टीचर्स को उनके मन मुताबिक उनकी मर्जी का स्कूल दिया जाएगा। चौथी चीज, पूरे देश की ये दुर्दशा है कि टीचर्स से सारा काम कराते हैं टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे पंजाब के कई टीचर्स ने बताया क्लर्की का काम कराते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, टीचर्स को स्कूल से निकाल के डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, उनको क्लर्क बना के रखा हुआ है, उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे जनगणना का काम कराते हैं, सारे काम कराते हैं, टीचिंग का काम नहीं कराते। बस दिल्ली में हमने आदेश पारित करके सारे काम विड्रॉ कर लिए। हमने कहा कि टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा और टीचिंग के अलावा कोई, अब कोई टीचर बीएलओ नहीं है, कोई टीचर जनगणना का काम नहीं करता, कोई टीचर दूसरा काम नहीं करता। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद थे उस वक्त हमने कोरोना का रिलीफ वर्क टीचर से कराया था, इसके अलावा टीचर से कोई दूसरा काम नहीं कराया जाता। जैसे दिल्ली में किया ऐसे पंजाब में भी टीचर्स के से जो नॉन टीचिंग का सारा काम है वो वापस लिया जाएगा, उनसे कोई दूसरा काम नहीं कराया जाएगा। पंजाब के अंदर टीचर्स की ढेरों वैकेंसीज हैं। एक तरफ टीचर्स की वैकेंसीज हैं और दूसरी तरफ टीचर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। तुरंत जैसे ही सरकार बनती है ये सारी वैकेंसीज एग्जाम लेके सारी वैकेंसीज तुरंत भरी जाएंगी, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को अपने टीचर्स मिल सकें और टीचर्स को रोजगार मिल सके। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतनी शानदार जो व्यवस्था हुई शिक्षा की वो टीचर्स ने करी। उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे टीचर्स फिनलैंड गए, कैनेडा गए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, अमरीका गए। तो जैसे दिल्ली के टीचर्स को और आईएम लखनऊ, आईएम अहमदाबाद और आईएम एक दो और आईएम्स के साथ टाई अप करके वहां उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, जैसे दिल्ली के टीचर्स को हमने विदेशों में और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजा, ऐसे पंजाब के टीचर्स को भी हम ट्रेनिंग करवाने के लिए विदेशों में भेजेंगे। छठा, अभी टीचर्स को टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलता पंजाब में। अगर किसी को प्रमोशन लेनी है, कोई पॉलिसी नहीं है प्रमोशन की, तो हर आदमी को प्रमोशन लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये बंद किया जाएगा, टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाएगा, सबको टाइम पे प्रमोशन मिला करेंगे। और आखिरी आठवीं बात, सभी टीचर्स को और उनके परिवार के लोगों को कैशलेस मेडिकल व्यवस्था का उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर भी हमने किया है सभी टीचर्स के लिए, यहाँ भी किया जाएगा। मैं सभी टीचर्स को आज आह्वान करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अकाली दल को भी देखा, आप लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, एक मौका,
आम आदमी पार्टी को भी देके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में परिवर्तन किया ऐसे पंजाब में भी परिवर्तन करेंगे। मेरी सभी टीचर्स से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ये जो चुनाव आ रहे हैं ये चुनाव पूरे पंजाब का भविष्य बदल सकते हैं। तो आप सब लोग भी अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर कहें कि वो बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी को वोट दें, झाड़ू को वोट दें, ताकि हम नया पंजाब बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? अगर इस पर नाराज हो गया तो मैं मानूंगा नहीं। कल बोला था एक्चुअली, मैं ये देख रहा हूँ सिद्धू साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए हैं, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई है। पर बात तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे। अभी तक तो पूरे आपकी बिजली मुफ्त हो गई, आपकी किसी की बिजली मुफ्त हुई? यहाँ पे इतने पत्रकार, किसी की बिजली मुफ्त हुई? किसी की बिजली मुफ्त नहीं हुई। देखो चन्नी साहब, कल मैं अभी आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बिजली मुफ्त कर दी चन्नी, गल घर 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 गल चल रही चन्नी, मसले हल करता है। तो मेरी, मैंने तो जनता से पूछा जी बिजली मुफ्त हो गई, बोले जी नहीं हुई। चन्नी साहब ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पूरे पंजाब में। चन्नी साहब ने व्यापारियों को बोला मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। कल चन्नी साहब क्या क्या आए ऑटो वालों को कि मैं तुम्हारे चालान खत्म कर दूंगा, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। हाँ जी, देखो जी, पहली चीज, कल मैं इनके बयान सुन रहा था, सारे कांग्रेस, चन्नी साहब के, सिद्धू साहब के, और भी कांग्रेसी, सारे जने क्या कह रहे थे, पंजाब का खजाना खाली हो गया, पंजाब का खजाना खाली हो गया। पंजाब किसने करा भाई पंजाब का खजाना खाली? 5 साल तो तुम्हारी सरकार थी, तुमने करा क्या? लूट लिया तुम लोगों ने? किसने करा पंजाब का खजाना खाली? जवाब देना चाहिए इनको। 5 साल के बाद जब दूसरा चुनाव आ रहा है, कह रहे पंजाब का खजाना खाली हो गया। तुमसे पहले 10 साल अकाली वाले थे, 5 साल तुम, 15 साल में तुम लोगों ने मिलकर लूट लिया पंजाब को, अब कह रहे हो पंजाब का खजाना खाली हो गया। एक मिनट, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले इसकी जांच करवाएंगे कि पंजाब का खजाना खाली किसने करा, इसकी जांच कराएंगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दिल्ली का खजाना खाली करके गए थे। उस टाइम भी शीला दीक्षित जी कहते थे दिल्ली का खजाना खाली, दिल्ली का खजाना खाली। केजरीवाल को खजाना भरना भी आता है, जांच भी करनी आती है। तो जो जो लोग कह रहे हैं खजाना खाली हो गया, उनसे सरकार नहीं चलती, इस्तीफा दे दें, हम सरकार चला के दिखा देंगे, खजाना भर के भी दिखा देंगे। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूं, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता है और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है।
सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा, उनकी कैबिनेट को संभालने वो, उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभाले तो। खूब इलेबोरेट करांगा जी, चिंता ना करो तुसे। जनता को मेरे पे विश्वास है, पंजाब की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मैं पंजाब की जनता का बहुत मान करता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे हमेशा पंजाब के लोगों का, पंजाब की जनता का इतना प्यार और इतना विश्वास मिला। तो जब मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ केजरीवाल की पहली गारंटी, तो जनता कहती है हाँ ये बंदा पूरी करेगा गारंटी। मैं कहता हूँ केजरीवाल की दूसरी गारंटी, तो जनता कहती है जी हाँ यह बंदा पूरी करेगा गारंटी। तो उसका तो मकसद ये है, आप अगर जिस दिशा में पूछ रहे हैं, केजरीवाल सीएम का कैंडिडेट नहीं है, मैं पहले भी कह चुका था। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा एमएलए का, देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो दो ही गए हैं, उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। तो इस ये गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है, हम इसमें नहीं पड़ते। उनका प्रश्न है कि क्या उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है। देखो 2-3 चीजें सीएम फेस का पूछ रही हैं, मेरे को पता था ये तो पूछेंगे। पहली चीज ये, जवाब देने दो, मेरे को पता था ये पूछेंगे। सबसे पहले हर पार्टी या तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है और या नहीं करती है। अगर करती है, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव फिर ऊपर 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 ही जा सकता है, वो फिर नीचे नहीं आ सकता, वो पीक पे ही जा सकता है। जो जो पार्टी चुनाव के पहले ये रणनीति बनाती है कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्कुल चुनाव के करीब आने के ऊपर करती है, कोड लगने के करीब आने पे या कोड लगने के बाद करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली बार कैप्टन साहब को चुनाव 4 फरवरी को थे, कैप्टन साहब को एक हफ्ता पहले कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, रूलिंग पार्टी है पंजाब की, उन्होंने अपना सीएम क्या, वो नहीं बता रहे कि सिद्धू साहब बनेंगे कि रंधावा बनेंगे कि चन्नी साहब को ही कंटिन्यू करेंगे, वो अभी बता ही नहीं रहे।
उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में योगी साहब को उनके डिप्टी सीएम, तीन दो तीन डिप्टी सीएम है, सारे कह रहे हैं जी इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं करेंगे हम, तो लोटस पे कमल पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं। कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, हरीश रावत होंगे कि उनके वो होंगे पता ही नहीं। गोवा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, गोवा के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट रोज बेचारा सीएम घूम रहा है, दिल्ली के चक्कर काट रहा है, मेरे को सीएम अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको ये अश्योरेंस दे रहा हूँ बाकियों से पहले कर देंगे हम। मैं एक मिनट, वो कह रहे हैं कि क्या पंजाब को मुफ्त खोर बनाया जा रहा है, मेरे को बुरा मत मानना इस शब्द से आपत्ति है, क्या हमारे पंजाब की सारी महिलाएं मुफ्त खोर हैं? मैं पूछ रहा हूँ मुफ्त का मतलब क्या है? सुनिए ना जवाब, सुन तो लीजिए हमारे पंजाब की महिलाएं मुफ्त खोर नहीं हैं। अगर मैं किसी महिला की जेब में 1000 रुपये महीने डाल देता हूँ और वो बच्ची अच्छी शिक्षा ले लेती है, उससे वो बच्ची कॉलेज चली जाती है, किताबें खरीद लेती है, अगर किसी गृहिणी की जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी कर लेती है, किसी माँ की जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं वो उसके घर बेटी आई हुई है उस बेटी को थोड़े से पैसे दे देती है, इसमें क्या मुफ्तखोरी क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, हमारे यहाँ इन नेताओं ने कर दी मुफ्तखोरी। एक चीज बताओ, आपके जितने मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनकी बिजली फ्री है कि नहीं है? तो मंत्रियों को तो फ्री बिजली मिले, और केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री कर दे तो कहते हैं केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है, केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है। उनको 4000 यूनिट बिजली मुफ्त होती है, एक एक मंत्री की 4000 यूनिट, उसकी बिजली भी फ्री, उसका पानी भी फ्री, उसका हेलीकॉप्टर भी फ्री, उसकी गाड़ी भी फ्री। मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, तुम्हारा पानी फ्री कर दूंगा, तुम्हारे को 1000 रुपए दे दूंगा, क्या बुरा कर दिया मैंने? भाई साहब मैंने तो जिंदगी में ठान लिया जो जो चीजें मंत्रियों को मुफ्त मिलती है सारी जनता को दिलवाऊंगा मैं। फिर ये मुफ्त खोरी और माफिया राज इस देश के नेता कर रहे हैं, इन नेताओं को ठीक करेंगे। एक माइक सुनाई नहीं दे रहा, मैंने पढ़ा नहीं हूं उनका। आखिरी क्वेश्चन, करंगे जी इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, करंगे मेरी गारंटी है। किस चीज का 2000 रुपए? लेडीज को 2000 देंगे, मतलब ब्लू कार्ड वाली लेडीज को देंगे। अच्छा 2000 रुपए महीना देंगे हर महीने? अकाली दल पे क्या सरकार ही नहीं बन रही जिसकी वजह से, तो जनता तय करेगी कि उनको केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है कि अकाली दल। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू देखा था चन्नी साहब का, वो कह रहे थे कि असली आम आदमी तो मैं हूँ, बोले मेरे को गिल्ली डंडा भी खेलना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है,
तो बोले असली आम आदमी मैं हूँ, वो केजरीवाल जो है वो आम आदमी नहीं है। मैं उनसे 100% सहमत हूँ। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को बच्चों के स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अच्छी शिक्षा देनी आती है, मेरे को बच्चों का भविष्य बनाना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, पर मेरे को आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं, मेरे को आपके लिए अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को 10-10 कैमरे लेके 24 घंटे घूम घूम के शूटिंग कराना नहीं आता, लेकिन मेरे को आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए अस्पताल बनाने आते हैं, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां देना आता है, मेरे को झूठे ऐलान करने नहीं आते, मेरे को आपकी बिजली मुफ्त करनी आती है, आपकी बिजली 24 घंटे करनी आती है। पंजाब की जनता तय करेगी कि उनको नौटंकी करने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए।